फॉल्स निवेशकों का पैसा न मिलने पर निवेशकों ने सेबी डीजीएम को बनाया बंधक। दोस्तों हिस्ट्री न्यूज चैनल में आप सभी पल्स निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपके लिए एक बड़ी न्यूज लेकर आए हैं। न्यूज क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के 2.5 साल बाद भी पैसा न लौटाने से घुसियाए पीएसीएल कंपनी के निवेशकों ने सेबी कार्यालय में डीजीएम को बंधक बना लिया। 7 घंटे तक चले विरोध के बाद आश्वासन मिलने पर निवेशकों ने शाम 7 बजे डीजीएम को मुक्त किया। पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को कंपनी के सैकड़ों निवेशक प्रमुख भारतीय प्रतिभूति एवं न्यायिक बोर्ड सेबी कार्यालय पहुंचे और डीजीएम प्रशांत सैनी को उनके ऑफिस के दूसरे कमरे में ले जाकर बंधक बना दिया। निवेशकों का कहना था कि कुछ समय पूर्व सेबी ने रियल एस्टेट कारोबार करने वाली कंपनी पीएसएल के खातों को सीज कर दिया था। उत्तराखंड के निवेशकों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया कंपनी में लगाए थे जिन्हें उन्हें समय पर नहीं लौटाया गया। जब सेबी ने पैसे नहीं लौटाए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति को गठन करते हुए 6 महीने के भीतर कंपनी की 5,000 बीघा जमीन बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया। इस बात को 2.5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया गया है। इससे नाराज निवेशकों ने सोमवार दोपहर 12 बजे डीजीएम को बंधक बना लिया। शाम तकरीब 7 बजे तक इसको लेकर हंगामा रहा और विरोध चलता रहा। बाद में सेबी डीजीएम ने आश्वासन दिया कि वह 1 सप्ताह के भीतर यह बता देंगे कि निवेशकों का पैसा कब तक लौटाया जाएगा, जिसके बाद निवेशक शांत हुए। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएस बिट्स, विजय चौहान, अजय यादव, खेम दत्त भट्ट, देव श्री देवी, महेंद्र सिंह, नीरज तिवारी, नरेश पाल, रवि दौलाम, शिव सिंह, आबिदिक किशन सिंह, रमोला आदि मौजूद रहे। दोस्तों ये बड़ी खबर आपको हिस्ट्री न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे हिस्ट्री न्यूज चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली किसी ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।